नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा निकाली गई है एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी, जिसके बारे में आप सभी को मैंने पहले भी इंटीमेट किया था और अब भी आपको बता देना चाहता हूं कि इसका डेट है जो आखिरी 14 नवंबर और 22 नवंबर, यानी कि डेट अभी भी बचे हुए हैं। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो 10वीं पास हैं और 24 साल के अंतर्गत आते हैं, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को जरूर से जरूर और जल्द से जल्द भरे, ताकि इस फॉर्म को डेट ना निकल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ईस्टर्न रेलवे और साउदर्न रेलवे, मैं एक बार फिर से आपको उन सभी वेबसाइट पर और इसका नोटिफिकेशन जो ऑफिशियली निकला हुआ था, उन सब के बारे में आपको चर्चा करूंगा इस पूरे वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ। और हाँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट नए हैं चैनल पे, उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आएगा, इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आएगा, उससे भी दबा ले, ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, हम लेकर चलते हैं सबसे पहले तो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में बताया गया है। दोस्तों, ये आप आ चुके हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, यानी कि नॉर्दर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे हर नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा की जाती है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन आया है, इसके नोटिस बोर्ड पे है। यहाँ पे टैब पे क्लिक कीजिएगा नोटिस बोर्ड के, और आप सीधे आ जाइएगा नंबर 8 पे, क्योंकि ये थोड़ा सा पहले आया हुआ वैकेंसी, आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ से आप ऊपर से काउंट कर लीजिएगा। देखिए, ये जो है नोटिस ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द 2018-19, इस पर क्लिक कीजिएगा, और इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसका आप PDF डाउनलोड कर सकेंगे यहाँ से नोटिफिकेशन का। और नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये जो नोटिफिकेशन नोटिस है, ये टोटल वैकेंसी के बारे में बताया गया है उस नोटिफिकेशन में। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी होगी और जाननी होगी कितने वैकेंसी है और क्या है। तो हम आपको इसको डाउनलोड करके आपको दिखलाते हैं उस वैकेंसी के बारे में, कि कितनी पोस्ट है लगभग, और कैसे भरना है इस फॉर्म को, और कैसे अप्लाई करना है, इस सब के बारे में। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर मैं बताऊँगा साउदर्न रेलवे के बारे में भी, जहाँ पर कुछ 1800 लगभग पोस्ट निकली हुई, 1700 समथिंग का पोस्ट है, उसको भी देख लाऊंगा मैं। तो पहले इस फॉर्म को देखते हैं जो ईस्टर्न रेलवे में निकली हुई है, ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे नहीं, ईस्टर्न रेलवे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है ईस्टर्न रेलवे। दोस्तों, मैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर चुका हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साफ साफ, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला हुआ है, ये वेबसाइट है www.rrcer.com का, ठीक है। और नोटिस फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2018-19, तो इसको आपने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे ओपनिंग डेट जो थी इस फॉर्म की, वो 15 अक्टूबर थी, और क्लोजिंग डेट जो थी दोस्तों, ये 14 नवंबर है। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में मैंने चर्चा भी किया था पिछले वीडियोस में, और यहाँ पे आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये 14 नवंबर है इसकी आखिरी डेट। किसकी? तो ईस्टर्न रेलवे की जो भी पोस्ट निकली हुई है, टोटल 2700 समथिंग की पोस्ट थी, उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से डिवीज़न है। तो हावड़ा डिवीज़न है, सियालदा डिवीज़न है, उसके बाद मालदा डिवीज़न है, उसके बाद आसनसोल डिवीज़न है, उसके बाद कंचनपाड़ा वर्कशॉप है, और लिलुआ वर्कशॉप भी है, यहाँ पर जमालपुर वर्कशॉप भी है। तो इन सब डिवीज़न्स और वर्कशॉप में ये पोस्ट निकली हुई है, आप देख सकते हैं। सीधी सीधी बात है यहाँ पे कि हावड़ा डिवीज़न में टोटल जो है 336 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी में 174 है आपका, ओबीसी में 96 है आपका, एससी में, और 53 है एसटी में, और बाकी जो टोटल है यहाँ पर निकली है 659 जो कि वैकेंसी है। टोटल अगर बात करें हम, 659 निकली हुई वैकेंसी तो हावड़ा डिवीज़न में लेकर सिर्फ। और सियालदा की बात कर ले तो वहीं पे 526 है, और लगभग है यहाँ पर 204 वैकेंसी मालदा डिवीज़न में। आसनसोल डिवीज़न की बात करें तो 412 है, और वहीं अगर कंचनपाड़ा डिवीज़न यानी वर्कशॉप की बात करें तो 206 है, और नीचे अगर लिलुआ और आपके जमालपुर को मिला दें तो लगभग 900 वैकेंसी है यहाँ पर दोनों को। तो यानी कि टोटल अगर काउंट करके हम, तो 2700 लगभग वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ रही है, 2700 या 2800 लगभग ऐसी वैकेंसी है टोटल काउंट करोगे तो। तो इस वैकेंसी को आप लोग जरूर से जरूर भरें। और जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रेड क्या है, कि आप कौन से ट्रेड से फॉर्म भरोगे, ठीक है। तो आपका अगर ITI जिसमें है, 10th के बाद अगर आपने ITI किया है, तो आप इस फॉर्म को भरिएगा। फीटर है,
टर्नर है, मैकेनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर है, कारपेंटर है और रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक्स है। तो ये सारी जो एक डीजल मैकेनिक्स भी है, तो ये सारी जो पोस्ट है नौ टू यहाँ पे, इन नौ में वैकेंसी आई हुई है टोटल 2700 के लगभग, जिसकी एज क्राइटेरिया बताई जा रही है कि 15 से लेकर 24 साल की उम्र तक के कैंडिडेट इसे भर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं अपने एज लिमिट को लेकर यहाँ पर, तो वो इस फॉर्म को जरूर से जरूर भरें, और उनका जो आखिरी डेट काउंटेबल होगा वो 1 जनवरी 2019 का होगा। ओके दोस्तों, अपर एज की बात कर ले यहाँ पर, तो उसको छोड़कर एससी एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि, और ओबीसी में 3 साल का, और वहीं पर पीडब्ल्यूडी में 10 साल का रिलैक्सेशन है जो कि एज पर द गवर्नमेंट रूल है ये, और इसको फॉलो किया जाएगा रेलवे में भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपका मैट्रिकुलेशन जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर आप मैट्रिक नहीं दिए हो यानी कि 10th नहीं दिए हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, और 50% एटलीस्ट आपका रिजल्ट होना चाहिए, 50% का पास आउट होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर मान लो 10th देने के बाद आप 10th में इन भी कर गए हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आपने 12th कर लिया तो नहीं भर सकते हो, आप भी भर सकते हो, बस है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि वो मैट्रिकुलेशन और 50% होना चाहिए आपका। ठीक है, अब ITI पास सर्टिफिकेट भी उनका होना चाहिए, ITI पास सर्टिफिकेट इन ट्रेड इन विच द अप्रेंटिस इज टू बी डन गारंटेड बाय द NCVT, NCVT के जरिए एक गारंटेड होना चाहिए जो कि जिस कोर्स में इन्होंने अपना ट्रेड किया है। ओके, वही बात कर ले अगर मेडिकल फिटनेस की, तो आप मेडिकल फिटनेस में आपको भी यहाँ फिट रहना होगा, क्योंकि आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा वो ग्रुप डी के कैटेगरी में होगा, तो आपको मेडिकली फिट होना होगा। यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट भी देना होगा मेडिकली फिट का, जो कि आप किसी भी ऑथराइज डॉक्टर से भी चेकअप करवा के आ सकते हैं। ठीक है, अब बात रही अप्लीकेशन फ़ी की, तो ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 100 रुपये फीस रखी गई है इस फॉर्म को भरने के लिए। और जो भी कैंडिडेट एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और वुमेन कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको कोई चार्ज नहीं लग रहा है, सिर्फ जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को फॉर्म में 100 रुपये फीस लगेगा, बाकी किसी को नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है। और आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अपना पेमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। तो यहाँ पे आप जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, देखिए ये साफ साफ लिखा गया है, और वहाँ पर जाने के बाद अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ रजिस्टर करना है इनकी वेबसाइट पे अपने आप को, और रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और जो अपना रिकॉर्डेड का जो मार्कशीट वगैरह है इन सबको वहाँ पे अपलोड करना होगा आपको। ठीक है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी और ITI का सर्टिफिकेट भी वहाँ पर आपको अपडेट करना होगा। तो ये 4 नंबर का जो पारा है इसको अच्छे से पढ़िएगा कैसे अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आप उस फॉर्म को आराम से भर दीजिएगा। और कोई भी, देखिए फोटो के बारे में भी सारी चीज़ें बताई गई है, कैसा फोटो स्कैन चाहिए, वो तो आप लोग फॉर्म भी ग्रुप डी का भरे होंगे तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। अब आपको लिए चलते हैं दोस्तों हम साउथर्न रेलवे में जो पोस्ट निकली हुई है उस पे। ठीक है, तो चलिए लेकर चलते हैं, आप आ चुके हैं इसके साउथर्न ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको जाना होगा यहाँ पे दोस्तों न्यूज़ एंड अपडेट्स पे, यहाँ अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपको जो भी नोटिफिकेशन वैकेंसीज आती हैं वहाँ पर ले जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा लेफ्ट साइड में एम्प्लॉई नोटिफिकेशन पर, यहाँ से आप क्लिक करके इसके जो नोटिफिकेशन पेज है वहाँ पर आपको पहुँचा देगा ये लिंक। और यहीं पर इसके नीचे जो है एंगेजमेंट ऑफ द एक्ट अप्रेंटिस 2018 और 2019, इस पर क्लिक करना है, तो ये आपको वैकेंसी बताएगा जिसे आप भरना है। और ये नोटिफिकेशन का PDF है जिसे आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, और फॉर्म को कैसे भरना है इसे भी यहाँ से आप जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप दोनों ही PDF को डाउनलोड करके इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो भी SC ST और PWD कैंडिडेट हैं उनको क्या क्या लगेगा उन सब के बारे में इस बीच वाले PDF में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए पहले इस हम नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं कि कितना पोस्ट है, क्या है, उन सब के बारे में जानते हैं। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं और डाउनलोड करते हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड होके आ चुका है जो कि साउदर्न ईस्टर्न रेलवे का ये वैकेंसी है आपको निकला हुआ है, और जो कि इसका आखिरी डेट बताया जा रहा है 22 नवंबर। ईस्टर्न रेलवे का क्या था,
तो उसका 14 नवंबर था ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे इसका 22 नवंबर है ये ध्यान रखिएगा। उससे पहले इस फॉर्म को भर लीजिएगा। और देखिए यहाँ भी कुछ फीटर, टनर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक्स, मैकेनिस्ट, पेंटर, रेफ्रिजरेटर, एसी मशीन, इनका पोस्ट निकला हुआ है और टोटल वैकेंसी बताई जा रही है यहाँ पर 360 की, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट नीचे जो है नीचे सिग्नल और टेलीकॉम के लिए है, ये 87 पोस्ट हैं। और नीचे अगर आइएगा थोड़ा सा और तो 120 पोस्ट है ट्रैक मैकेनिस्ट के लिए, और वहीं पर साथ ही साथ कारपेंटर के लिए 28 है टोटल वैकेंसी की बात की जा रही है तो। और यहाँ पर लगभग मिलाकर 121 है किसमें, तो कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद डीजल लोको सेड में भी आपको 50 वैकेंसी है और 90 वैकेंसी है आपको डीजल खड़गपुर में। जी हाँ, खड़गपुर के जोन में यहाँ पे है 90 वैकेंसी। और देखिए साथ ही साथ हर सेक्टर में, हर ट्रेड में आपको वैकेंसी है, जो कि टोटल वैकेंसी अगर आप मिलाएं और कैलकुलेट करें तो 1785 वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे तक है वैकेंसी और हर वैकेंसी को काउंटेबल होगा, तो ये 1785 वैकेंसी है लगभग। इस वैकेंसी के बारे में जरूर, इसके बारे में नोटिफिकेशन पढ़ के इस फॉर्म को एक बार जरूर भरिएगा, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पे बात करेंगे यहाँ भी, जो कि एज क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 15 से 24 यहाँ भी डेट रखा गया है, जो कि आपका 1/1/2018 से काउंटेबल होगा। या दोस्तों आपका जो एज होगा 24 साल जो है आपका 1/1/2018 यानी कि जनवरी 2018 तक का ये यहाँ पे आपका क्लियर रहना चाहिए एज भी। साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, और 10+2 में अगर आप हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते आपका मैट्रिक में 50% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए, और ITI जिस ट्रेड में हो उसका सर्टिफिकेट भी आपको जो ग्रांटेड हो वही लगेगा यहाँ पे। मेडिकली फिटनेस के लिए भी यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा आपको, आपको जब ज्वाइनिंग के टाइम पे उन सारी चीज़ों को लेकर जाना होगा। और 100 रुपये फीस यहाँ भी रखा गया है साउथर्न ईस्टर्न रेलवे के लिए भी। कैसे भरना है इसका सारा जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने अभी बताया है अभी आपको, उस पर जाके आप पढ़ के इसको अच्छे से फॉर्म को भर सकते हैं। सारी जानकारी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इस फॉर्म को प्लीज़ भरिएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया है, वहाँ पर आप हेल्प डेस्क में जाकर क्वेरी अपने पूछ सकते हो रेलवे जोन से, चाहे आप किसी भी जोन से फॉर्म भर रहे हो, किसी भी डिवीजन से माफ़ कीजिएगा फॉर्म भर रहे हैं तो, ठीक है। अब सब पारा के बारे में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि कौन क्या मांग रहा है, और कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो हैं वो भी आप अपना फॉर्म भरने से पहले एक बार टोटल पारा जो है ये पढ़ लीजिएगा, तभी फॉर्म भरिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आपका फ़ायदा होने वाला हो और यहाँ पर नुकसान ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये सारी जानकारी जो है आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट होगी, और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी आप इस फॉर्म को भी भर लेंगे, और जैसे ही फॉर्म भरिएगा वैसे ही आपके मोबाइल पर और आपके ईमेल पर सब नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका फॉर्म भरा जा चुका है। उसके बाद आप इस फॉर्म को भरने के बाद आप इसका एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहे, क्योंकि ग्रुप डी का ही टोटल जो है सिनारियो यहाँ भी लिया जा रहा है एग्ज़ाम के पैटर्न के लिए, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो प्लीज़ फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।